अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपको एक ताज़ा तरीन खबर से आगाह करता हूँ। फौज के खिलाफ बयान मौलाना को बड़ा झटका। पाक फौज के खिलाफ तकरीर पर मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ कार्रवाई के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। पाक फौज के खिलाफ तकरीर पर मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ कार्रवाई के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई। दरख्वास्त में मौलाना फजलुर रहमान की तकरीर और उनकी सियासी जमात पर पाबंदी आयद करने की भी इस्तदा की गई है। तफसीलात के मुताबिक एक शहरी शाहजहाँ खान खट्टक की जानब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त जमा करवाई गई है, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान वफाक को बजरिया वजीर आजम और चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत चेयरमैन पैमरा को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में कहा गया है कि मौलाना फजलुर रहमान ने पाक फौज के खिलाफ तकरीर की, मौलाना फजलुर रहमान की तकरीर और उनकी सियासी जमात पर पाबंदी आयद करने के अहकाम जारी किए जाएँ और वज़ीर आज़म आफिस से पूछा जाए कि उन्होंने अभी तक मौलाना फजलुर रहमान की तकरीर पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। तो नाज़रीन, आप इस पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय के इस बारे में कमेंट बॉक्स में दें। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए हमारा चैनल लाजमन सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।